दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में टोंगनाथ पर्वत पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। उत्तराखंड रोचक तथ्य सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम जानेंगे तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर है जो समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। मान्यता अनुसार यह मंदिर हजार वर्ष पुराना है। टोंगनाथ अर्थात जिसे चोटियों का स्वामी भी कहा जाता है, इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी घाटियों का निर्माण होता है। जनवरी फरवरी के महीनों में बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीनों में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव को पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। पंच केदार के क्रम में तुंगनाथ मंदिर का दूसरा स्थान। आइए जानते हैं तुंगनाथ मंदिर पंच केदार के नाम से क्यों प्रचलित है। एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के दौरान पांडव अपनों को मारने के कारण व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए पांचों भाई पांडव महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि वेदव्यास ने पांचों भाई पांडवों को सलाह दी कि अपने भाइयों, गुरुओं और पुत्रों को मारने के बावजूद वे सभी ब्रह्म हत्या के प्रकोप में आ चुके हैं और उन्हें इस प्रकोप से केवल महादेव शिव ही बचा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास की सलाह लेने पर पांचों भाई पांडव महादेव शिव के दर्शनों के लिए हिमालय पहुंचे, परंतु अपने कुल के नाश करने की वजह से महादेव शिव पांडवों से खफा थे और वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, जिसके कारण महादेव हिमालय को छोड़कर वाराणसी पहुंचे। जब पांडव महादेव शिव के दर्शनों के लिए वाराणसी पहुंचे तो महादेव वाराणसी से गुप्त काशी चले गए, परंतु पांडव भी अपने इरादे के पक्के थे। उन्होंने भी ब्रह्म हत्या के प्रकोप से स्वयं को मुक्त करने के लिए महादेव शिव के दर्शनों को पाने की ठान ली और पांचों भाई शिव के दर्शन को पाने के लिए वाराणसी से गुप्त काशी आ गए। कहा जाता है कि जब पांडवों को गुप्त काशी आए देख महादेव गुप्त काशी से केदारनाथ पहुंच गए और पांडव भी भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। तब तक महादेव शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडवों को इस बात पर संदेह हो गया। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने पैरों को दो पहाड़ों पर फैला दिया। ऐसे में अन्य गाय बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैरों के नीचे से नहीं गए। जब भीम ने शंकर रूपी बैल को पकड़ना चाहा तो वह शिव रूपी बैल धीरे धीरे जमीन के अंदर अंतर्धान होने लगा, परंतु भीम ने शंकर रूपी बैल का पैर पकड़ लिया। कहा जाता है कि पांडवों की शिव भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ संकल्प को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पांचों भाई पांडवों को दर्शन देकर उन्हें ब्रह्म हत्या के प्रकोप से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि जब महादेव शिव बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बागमती नदी के तट पर प्रकट हुआ। अब वहां पशुपति नाथ का भव्य मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई और शंकर रूपी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। इसलिए इन चारों स्थानों सहित तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार कहा जाता है। कहानी के मुताबिक तुंगनाथ मंदिर की स्थापना कुंती पुत्र अर्जुन ने की थी, जो कि पांचों भाई पांडवों में से तीसरे नंबर पे थे और इसका विवरण हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी है। तुंगनाथ मंदिर इसलिए भी इतना फेमस है क्योंकि यह मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि
भगवान श्री राम महादेव शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया तब वो स्वयं को ब्रह्म हत्या का दोषी मानते थे और उन्होंने स्वयं को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त करने के लिए तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर स्थान पर महादेव शिव की आराधना की और उसी समय से यह स्थान चंद्रशिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुंगनाथ मंदिर के पुजारी मक्का माथ गांव के स्थानीय ब्राह्मण हैं। सर्दियों में सभी पंच केदार बंद हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों में यहां पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। लोगों का मानना है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए इसी पवित्र स्थान पर विवाह से पूर्व घोर तपस्या की थी। तुंगनाथ पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऋषिकेश से गोपेश्वर होते हुए फिर गोपेश्वर से चोपता के रास्ते आप तुंगनाथ पहुंच सकते हैं और दूसरा ऋषिकेश से उखीमठ होते हुए चोपता होकर भी आप तुंगनाथ पहुंच सकते हैं। मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा बड़ी आसानी से की जा सकती है। यूं तो इस पवित्र स्थान में बाकी समय में भी यात्रा की जा सकती है परंतु बर्फबारी होने की वजह से मोटर का सफर कम और ट्रैक ज्यादा हो जाता है। वैसे इस पवित्र स्थान का मजा आप जनवरी फरवरी में भी ले सकते हैं। इस समय भी यह स्थान लोगों को काफी पसंद आता है क्योंकि इस दौरान यह स्थान पूरा बर्फ से ढका होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना तुंगनाथ मंदिर के बारे में। आपको ऐसे ही किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं, जाइए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है वहां पर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद की आने वाली है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्त तक उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।